हेलो एंड वेलकम टू सी डी टी एफ बी। दोस्तों, सी डी टी एफ बी की नई वीडियो नई क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक इमेज ली हुई है और इसके ऊपर लोगो प्लेस किया हुआ है मैंने। देखिए, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं इस पर मैंने लोगो प्लेस करके दिखाया है। लेकिन लोगो इस तरह प्लेस किया है ऐसा लगे जैसे प्रिंट किया हुआ है। तो बेसिकली ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि अगर आप क्लाइंट को कोई लोगो की प्रेजेंटेशन दिखानी है, आपके क्लाइंट मांगता है कि मेरा पेपर बैग है इसके ऊपर लोगो प्रिंट होना है, तो प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा, तो किस तरह से सही एंगल्स वगैरह इसका, देखिए पर्सपेक्टिव वगैरह जिस तरह से है, बैग का एंगल रखा हुआ उसी तरह से लोगो इस पर प्रिंट करके हमने दिखाया है। तो इस तरीके का मॉकअप किस तरीके से जल्दी से हम भेज सकते हैं क्लाइंट को कि इस तरह प्रिंट होने के बाद दिखेगा लोगो हमारा, तो वो आपको समझाऊंगा बहुत जल्दी बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक बार मास्टर आपको लेआउट तैयार करना पड़ेगा और जल्दी से आप कभी भी आपका क्लाइंट मांगेगा विद इन सेकेंड्स आप इसको क्रिएट कर लेंगे सही एंगल पर। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ दो तीन चीज़ें हैं इस फाइल के अंदर, एक ये लोगो है, एक ये इमेज है और एक इसमें हिडन ट्रिक है हमारी जो मैंने वायर फ्रेम कर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ इस वाले साइज़ के लिए एक बॉक्स बना हुआ है, इस वाले साइज़ के लिए एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स का क्या काम है वो सब बताऊँगा आपको, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं वायर फ्रेम ऑफ कर देता हूँ, इसका एनहांस कर देता हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये इमेज हम मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली है, एनवलप इमेज। ये आपकी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ग्रे क्राफ्ट पेपर वाली ली है ये। आप वाइट एनवलप भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट पेपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह का, और उसके ऊपर अपना लोगो की प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। तो मैं क्राफ्ट पेपर के ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, कॉपी कर लिया है मैंने और यहाँ एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, इंसर्ट पेज आफ्टर, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब ये सिर्फ एक इमेज है, ये देखिए मैं आपको वायर फ्रेम कर दिखाता हूँ, इसमें और कुछ नहीं है, ये इंटरनेट से डाउनलोड की हुई एक इमेज है सिर्फ। ये कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में, वापस इसको यहाँ कर लेते हैं हम। तो वायर फ्रेम ऑफ कर देता हूँ, इन्हांस पर आ जाता हूँ मैं, और मैंने यहाँ कुछ लोगो अपने पुराने कुछ लोगो हैं ये मैंने। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो लोगो आपको यूज़ करेंगे ये बिटमैप नहीं होने चाहिए, सभी लोगो वैक्टर होने चाहिए। तो ये सभी वैक्टर लोगो हैं मेरे पुराने कुछ लोगो हैं, तो इनको मान लीजिए हम यहाँ बाहर रख लेते हैं यूज़ कर देखने के लिए कि जल्दी से हम कैसे बना सकते हैं। ये मैं इनको यूज़ कर दिखाऊंगा आपको। तो इसमें इसके एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो इसकी हाइट और एनवलप बैग की विथ कितनी है, फिर उसके हिसाब से हमें इसका एंगल, जो रोटेशन एंगल है, पर्सपेक्टिव इसका क्रिएट करना है। इसी तरह इसकी हाइट और विथ, तो ये किस तरह बनेगी, इसके दो कॉर्नर हमें पकड़ने पड़ेंगे। मैं यहाँ आपको निशान लगा कर दिखाता हूँ, ये देखिए ये मैंने फ्री हैंड ले लिया। एक तो हमें ये वाला कॉर्नर मान लीजिए और एक ये वाला कॉर्नर, अगर हम इन दो कॉर्नर को सही से पकड़ लेंगे तो हमें इससे हाइट भी पता चल जाएगी और इससे विथ भी मिल जाएगी, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। या ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, मतलब ओपोजिट डायरेक्शन के दोनों हमें देखने होंगे, या तो ये वाला या ये वाला। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक रेक्टेंगल। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा, उसको मैं क्या करूँगा, इस कॉर्नर से स्टार्ट कर इस कॉर्नर पर एंड करूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया रेक्टेंगल, ड्रैग करते हुए यहाँ तक बना लिया। देखिए बहुत जल्दी से बहुत आसान है, बस छोटी सी टेक्निक समझ लीजिएगा। तो क्योंकि मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि कोई भी लोगो हम बनाते हैं ये स्ट्रेट होगा, 2D होगा, प्रोपोर्शनल वाइज इसमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता है। तो कोई भी लोगो होगा, ये मान लीजिए स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या ऐसे रेक्टेंगल है, लेकिन ये होगा स्ट्रेट, कभी भी डिज़ाइन पर्सपेक्टिव नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करिया, ये ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे जितना हमें इस बैग के हिसाब से ऐड करना है। तो इसके लिए हम
इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ ऐड पर्सपेक्टिव में जाएंगे। देखिए ये तो ये पर्सपेक्टिव की हमारी एक्टिवेट हो गई है ग्रिड, और अब हम इसको क्या करेंगे, जूम कर लेंगे और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे, क्योंकि ये वाला कॉर्नर हमारा सही है और ये वाला कॉर्नर भी सही है, सिर्फ हमें ये दो कॉर्नर बिठाने हैं। ये देखिए ये वाला कॉर्नर भी हम यहाँ बिठा लेंगे, ये बैठ गया और हमारा काम हो गया ख़त्म। हमें सिर्फ इतना करना था इसके लिए। अब इस वाले के लिए भी हम इसी तरह क्रिएट करेंगे, फिर से इस कॉर्नर से लेकर बैक के इस कॉर्नर तक हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, फिर से मैं पिक टूल ले लूँगा अपना और इफेक्ट में जाऊँगा, एड पर्सपेक्टिव करूँगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, दो तीन स्टेप हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इतने काम के स्टेप हैं। फ्यूचर में आप ये बनाकर एक बार रख लेंगे तो कभी भी सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर आप मॉकअप बना लेंगे। देखिए पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे हम, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर से बिठा लेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस नहीं किया है, सिर्फ माउस से इसको ड्रैग कर कर इस एज से मिला दिया है। देखिए बस इसको सही से मिला लेना है एक बार बस, और ये हो गया हमारा, ये फाइनल हो गया। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। देखिए अब कोई भी लोगो इनमें से मैं उठाऊंगा, सिर्फ एक क्लिक के अंदर बन जाएगा ये। ये देखिए, चाहे आप इसको आउटलाइन को नन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नन नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको दिखाऊंगा। देखिए मान लीजिए ये वाला ही मैंने लगाया हुआ था, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, इसकी दो जगह यूज करना है तो दो कॉपी रख लेते हैं हम, ये यहाँ दो कॉपीज, तो ये टू कॉपीज मैंने कर ली। इसको सिलेक्ट कर लूंगा, इफेक्ट में जाऊंगा, ये देखिए ध्यान से देखिए मेरा लोगो सिलेक्ट है, पूरा वेक्टर है। मैं वायर फ्रेम कर दिखा देता हूँ आपको, ये वेक्टर लोगो है पूरी तरीके से, इसमें बिटमैप कुछ भी नहीं है। तो मैं वायर फ्रेम से बाहर आ रहा हूँ, एनहांस पे, और इफेक्ट में जाऊँगा, कॉपी इफेक्ट में जाऊँगा, और यहाँ पर्सपेक्टिव दिखाएगा तो मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा फ्रॉम, इस वाले पे बिठाना है तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए हल्का सा टिल्ट हो गया, और इसको सेंटर इक्वल कर लेंगे इसका, ये बन गया। अब जितनी बड़ी आप प्रिंट करेंगे या जितना छोटा प्रिंट करेंगे यहाँ प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह ये वाला है, देखिए मैंने यहाँ रख लिया, ये आपको समझ आ जाएगा डिफरेंस। ये देखिए कितना आउट, मेरी स्नैपिंग ऑन है, मैं ये ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए कितना आउट है ये। लेकिन अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इफेक्ट में जाऊँगा और कॉपी इफेक्ट करूँगा, फ्रॉम पर्सपेक्टिव करना है तो पर्सपेक्टिव फ्रॉम इससे कर लिया है मैंने, ये हो गया इस एंगल के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट। अब इसको छोटा जितना भी आपको प्रिंट करना है, प्लेसमेंट जहाँ भी प्रिंट करनी है, ये देखिए मान लीजिए आप यहाँ कहीं कॉर्नर पे प्रिंट करेंगे छोटा सा लोगो, या आपको बिगर साइज में थोड़ा सा सेंटर में इसी तरह प्रिंट करना है जैसा ये बड़े वाले पर है। ये देखिए ये हो गया है। अब आपकी ये आउटलाइनों का काम, देखिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ बैक को, आउटलाइन का इनका काम खत्म हो गया। आउटलाइन का कलर नन कर दीजिए आप, कोई कलर फिल नहीं रखूंगा मैं, ताकि ये आपकी प्रेजेंटेशन सही आए। अब आप इसको जूम कर देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपका लोगो। ये देखिए एंगल वाइज सही प्लेस हो गया है। अब आप इसको चाहें इस तरह उठाएं, कहीं भी जेपीजी एक्सपोर्ट कर लीजिए, ये मैं ग्रुप कर देता हूँ, जेपीजी तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल आप जेपीजी एक्सपोर्ट कर दीजिए, आपका क्लाइंट को भेजने के लिए बन जाएगा। ये देखिए अब ये हो गया है, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, इसकी कॉपी मैंने साइड रख ली। मान लीजिए मुझे अब इसी का दूसरा ऑप्शन ये भेजना है क्लाइंट को, ये भी है मान लीजिए इस तरह से, तो यहाँ से फिर से मैं कॉपी करूँगा, पर्सपेक्टिव फ्रॉम, यहाँ आउटलाइन है और मैंने कलर नन कर दिया है, लेकिन उससे पर्सपेक्टिव पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये क्रिएट हो गया, बिल्कुल सही प्रोपोर्शन का होगा जैसा हमें चाहिए। ये देखिए इसी तरह इसको कर देंगे हम, पर्सपेक्टिव को साइज छोटा बड़ा आप इसका कर लीजिए, लोगों का जितना भी प्रिंट आपको करना है क्लाइंट को दिखाने के लिए। देखिए यहाँ कहीं दिखाना चाहते हैं हम नीचे, ये देखिए इस तरह, इसका ऑप्शन भी हम बाहर रख सकते हैं। ये देखिए ये हो गया, इसको ग्रुप कर लेंगे, ये एक हो गया, ये दो हो गए, अब इसका काम ख़त्म हो गया है। ये भी डिलीट कर देंगे, इनमें कोई और लोगो मान लीजिए ये वाला लोगो है, इसकी दो कॉपी कर लेंगे। सिर्फ आपको जल्दी जल्दी जब लोगो बने हुए होंगे आपके पास, या जो भी टेक्सचर भी प्रिंट होना है या जो भी प्रिंट होना है, आप उसका पर्सपेक्टिव बनाकर और इफेक्ट, सिर्फ इफेक्ट कॉपी करना है आपको पर्सपेक्टिव का। ये देखिए ये जल्दी से सेंटर आ गया,
इसी तरह, ये बहुत बड़ा है तो आप छोटा कर लीजिए, जितना बड़ा छोटा प्रिंट करना है आपको। देखिए इसी तरह ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। अगर ये एक ही साइज़ का बैग होते तो एक ही कॉपी हो सकता था, लेकिन हम इतने दो बनाए हैं इसलिए हम दो का यूज़ करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग। देखिए बहुत आराम से, ये देखिए बन गया। इसको भी आप बाहर रख लेंगे हम, देखिए यहाँ कहीं रख लीजिए, चलिए और ग्रुप कर देंगे। जल्दी जल्दी जितने ऑप्शन आपके पास होंगे जल्दी जल्दी बना सकते हैं। देखिए ये वाला ले लीजिए, देखिए इसको मैं कॉपी करूंगा फिर से, ये रहा, जल्दी से कर दिखा देता हूँ। देखिए अच्छा, इसमें देखिए ग्रेडियंट था, तो ग्रेडियंट क्योंकि पर्सपेक्टिव पे इफेक्ट खराब हो जाता है तो ये इसलिए चेंज हो गया, ये भी ध्यान रखना है। अब ये मान लीजिए सिर्फ ग्रेडियंट ना होता और ब्लैक होता, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है आपका, ग्रे ब्लैक एंड वाइट जैसे क्राफ्ट पेपर है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है आपको, तो ये इस तरह का भी आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं। ये देखिए ये हो गया, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेडियंट ख़त्म हो गया है। इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए और एक चीज़ और, ये वेक्टर होना चाहिए लोगो जो भी आप जिस पे पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, ये बिट मैप के ऊपर काम नहीं करता है, बिट मैप पे सिर्फ न्यू वर्जन जो आए हैं कोरल ड्रॉ के उन पे काम करेंगे। देखिए मैं जल्दी से यहाँ पे फिल कर देता हूँ ब्लैक सब पर, या इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ मान लीजिए डबल कलर ग्रे भी हो सकता है, यहाँ ग्रे हो गया और यहाँ हो गया ब्लैक अपोजिट क्रॉस हो गया इस तरह, और इसको भी हम यहाँ ग्रे कर देते हैं। देखिए यहाँ कहीं डार्क गया, ठीक है। अब हम इसमें पर्सपेक्टिव ऐड कर देंगे जल्दी से। ये देखिए मैंने थोड़े दो ऑप्शन दिखा दिया आपको समझाने के लिए सिर्फ। अच्छा यहाँ ये वाइट दिख रहा है आपको, एक चीज़ का हाँ और ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो मेरा लोगो क्योंकि वाइट बनाया हुआ है मैंने, आप इसको ट्रिम करना पड़ेगा मुझे। देखिए मैं इसको अनग्रुप कर लूँगा, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स, इसको इसके साथ ट्रिम कर देंगे इस तरह, अब ये हटा देंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए वाइट वाला हट जाएगा ये, तो इसके पीछे क्राफ्ट पेपर का ओरिजिनल कलर आएगा। ये लोगो डिज़ाइनिंग के टाइम आपको ध्यान रखना होगा, ये मैंने तो ऑफसेट के हिसाब से, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी थी इसलिए मैंने इस तरह बना रखा था वाइट, तो अब ये सही है। देखिए अभी आपको डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। ये ग्रुप एड पर्सपेक्टिव करूँगा यहाँ से, देखिए ये यहाँ, तो प्रिंटिंग में इस तरह का आएगा आपका, क्योंकि वाइट तो प्रिंट करेंगे नहीं हम, तो इस तरह का प्रिंट होगा, इस तरह का नहीं होगा, वाइट नहीं दिखेगा। अब मैं टेम्परेरी इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अब पर्सपेक्टिव ऐड हो चुका है इफेक्ट, अब इसको वाइट को हम चेंज नहीं कर सकते, या तो पर्सपेक्टिव ख़त्म करें हम फिर से, यहाँ से क्लियर कर देंगे इसके ऊपर से, और इसका एक ऑप्शन हम कर सकते हैं यहाँ से कलर में पिक कर लेता हूँ, पेपर से मिलता जुलता ये फिल कर देते हैं, बहुत मामूली सा है इसलिए आइडिया से पता नहीं चलेगा मैंने बहुत ज़्यादा, और यहाँ से फिर से हम पर्सपेक्टिव ऐड करके, देखिए जल्दी से हो गया ये। तो इस तरह की चीज़ें आप जब करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें आती जाएंगी कि किस वक्त किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ये देखिए कोई सा भी लोगो, टेक्निक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए कितनी आसानी से कितनी जल्दी, सिर्फ एक क्लिक करना है, लोगो डिज़ाइन होना चाहिए एक बार, ये आप मास्टरपीस बना लीजिए, फिर सिर्फ आपको कॉपी करना है इफेक्ट, कुछ नहीं करना है, और बहुत जल्दी से इसकी एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं कि आपका पेपर बैग प्रिंट होने के बाद इस तरह का दिखेगा। तो ये आज की वीडियो थी हमारी, देखिए कितनी आसानी से हमने कर लिया। तो कैसी लगी आज की वीडियो ट्यूटोरियल, उम्मीद है आप लोगों के काम का होगा। जो लोग इस तरह के काम करते हैं, पेपर बैग की इंडस्ट्री में है, या किसी भी चीज़ का, जैसे किसी पर्टिकुलर एक आइटम के ऊपर आपको लोगो प्रिंट करके सैंपल दिखाने होते हैं क्लाइंट को अप्रूवल के लिए, तो वो आप इस तरह दिखा सकते हैं, उस पर्सपेक्टिव बनाकर एक, और कॉपी करना होता है सिर्फ। तो कैसा लगा हमारा आज की ट्यूटोरियल हमें ज़रूर बताइएगा, और किस तरह का ट्यूटोरियल आप चाहते हैं, कि आपको किस तरह का परेशानी आ रही है कोरल ड्रॉ में, तो हमें बताइए, हम उस तरह का वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था, नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी जल्दी। हमारे चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही।